हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर रहे हैं, कैसे निकाले अपने मोबाइल फ़ोन से। गाइस, अगर गाइस आपका भी बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, अगर आप भी अपने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, तो कैसे कर सकते हैं, तो गाइस उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन है बीओबी वर्ल्ड, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं होता है। गाइस, मैं आपको यहाँ पे फोटो के माध्यम से बताऊंगा कि आपने अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। चलिए, मैं यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन है, चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो पिन है आपका, अगर आपका पिन होगा या फिंगरप्रिंट लगा होगा तो आपको यहाँ पे लगा के उसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ मैं गाइस अपने अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आता है, देखेंगे तो यहाँ पे माई बीओबी का ऑप्शन आता है। आपको उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिक्वेस्ट सर्विस का ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अकाउंट स्टेटमेंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट का जो ऑप्शन है आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है एक तरफ में, और एक तरफ यहाँ पे दिया हुआ है टू का ऑप्शन। अब गाइस आपको जिस मंथ का चाहिए, या आप एक मंथ का चाहिए, दो मंथ का चाहिए, चार मंथ का चाहिए, या आप छः मंथ का चाहिए, आप उसको सेलेक्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ फॉर्म पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे यहाँ पे एक अक्टूबर का चाहिए, मैं एक तारीख यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे टू पे चले आना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ मैं जो आज का तारीख है या 15 तारीख है यहाँ मैं डालता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ। अब गाइस यहाँ मुझे 15 दिन का स्टेटमेंट मुझे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाएगा ईमेल स्टेटमेंट है, उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके डिस्प्ले पर शो कर जाएगा ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अब गाइस जो भी ईमेल आईडी आपके बैंक अकाउंट में लिंक होगा उस पर एक ईमेल आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। चलिए मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं, मैं अपना ईमेल आईडी ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यहाँ मुझे एक ईमेल आया हुआ है। अब चलिए मैं इस ईमेल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा योर अकाउंट स्टेटमेंट, आपको इस पर क्लिक करना जो भी आपके पास ईमेल आया हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको इसको डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड करेंगे उसके बाद ये आपके एसडी कार्ड में डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पे जो स्टेटमेंट है पीडीएफ फाइल है वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ मैं अपने एसडी कार्ड में आ चुका हूँ। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं यहाँ मेरे पास है, यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल मेरे एसडी कार्ड में डाउनलोड हो चुका है। अब चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो पीडीएफ फाइल है यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, लिखा हुआ है दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको पासवर्ड क्या डालना पड़ेगा। गाइस जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है उस मोबाइल नंबर को पूरा यहाँ पे 10 डिजिटल रहता है मोबाइल नंबर, आपको 10 अंक का पूरा मोबाइल नंबर आपको यहां पर डाल देना है। उसके बाद जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डालेंगे आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये जो पीडीएफ फाइल है आपका ओपन हो जाएगा। चलिए मैं यहां पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूं। तो गाइस यहाँ मैं अपना पासवर्ड डाल चुका हूँ मोबाइल नंबर को। उसके बाद यहाँ मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। ओपन पर जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे गाइस जो मेरा पीडीएफ फाइल है वो मेरा ओपन हो चुका है। देखते हैं यहाँ मेरा जो पीडीएफ फाइल है पूरा ओपन हो चुका है।